तो हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बंदना एग्रो सर्विस पर। तो आज हम सब चेन शो जो कि ये 58 cc का है उसे फिट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको ये दिख रहा है, ब्लेड 22 इंच का है और ये सब चेन है। तो इसको हम लोग को सबसे पहले फिट करना है। चेन को आप पहले लगा लीजिए ब्लेड में ऐसे। उसके बाद में ब्लेड से पहले आपको एक नीचे में एक्सल लगाना पड़ता है। एक दिखाता हूँ मैं आपको कैसा एक एक्सेल होता है, कांटेदार होता है ये वाला। ये देखिए आप, इसको पहले लगाना पड़ता है। इसको आप टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद ये आपको ब्लेड लगाना है। पहले ब्लेड लगाना पड़ेगा आपको ऐसे। देखिए ये दोनों नट के बीच में रहेगा। ये दोनों नट के बीच में ठीक से बैठा दीजिए, वरना हिलते तो दिक्कत होता है। उसके बाद में आपका ब्लेड बैठ जाने के बाद में आपको ये लगाना है चेन। आप लोग देखिएगा कि 22 इंच का ब्लेड का होना चाहिए, जो कि लंबाई होगा उसका 28 इंच, वरना फिट नहीं होगा। तो ब्लेड लगाने के बाद में आपको ये कवर लगाना है। कवर आपको देखना है, ये साइड में जो नट मैंने अभी टाइट किया, ये आपको पहले टाइट और लूज़ करके देखना है। उसके बाद में ही ये फिट होता है, वरना ये फिट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ये मैंने गलती की थी, मैंने इसको ढीला नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं चला था ये चीज़। तो मैं अभी इसको ठीक से टाइट करके मैंने लगा दिया। ये चीज़ जाता है चेन टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए। ये आपको पता चलेगा, आपके साइड में भी नट होगा। तो अभी हमारा चेन शो रेडी है। इसमें हमने मोबिल और पेट्रोल डाल दिया है। ये ऑन ऑफ, ये चौक, ये हम चेन को थोड़ा सा मोबाइल करके देखते हैं, अगर नहीं घूमेगा तो दिक्कत होता है। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक, ये चेक करिए। ये ब्रेक हो जाता है। ये अगर हम लोग पीछे खींच देते हैं तो ये फ्री रहता है, और आगे कर दिया तो हमने ये ब्रेक लग जाता है, ये कोई हिला नहीं सकता इसे। ये मैंने आगे कर दिया था। तो चलिए अब हमारा मशीन पूरी तरह से रेडी है। ये देखिए ब्लेड के पास में जो होल है, जो मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, उसमें मोबिल लगेगा, और जो इस तरफ है इसमें इसमें पेट्रोल डालना है। तो चलिए अभी स्टार्ट होता है।